खास पंजाबी टीवी देख रहे सारे दर्शकों मेरे वालों यानी कि थोड़े सैंडी सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी आया थे वेलकम। अज असी अपने स्टूडियो दे विच एक बिहारी मजदूर पप्पू राम जी ने बुलाया है। असी उन्होंने गल करांगे, असी जानांगे कि पप्पू राम जी जिहड़े बिहार तो आए हैं उन्होंने कल्चर उत्थे किस तरह का है। तो पप्पू राम जी सत श्री अकाल नमस्कार। पप्पू राम जी मैं थानू नमस्कार करदा पिया हैगा, कुछ बोलो। राम राम सैंडी भैया, कैसन वाह, का हाल है तुहार? मैं तो ठीक हाँ पप्पू राम जी, पर तुसी ए पहला क्यों नहीं बोले? वो का बात है सैंडी भैया, वो हम गुटका खावत रहे और गुटका खाने वाले में वो उच्च संस्कार होवत है, वो बहुत ही शांत और मौन रहता है। क्या बात है, वो अपना गुटका थूक कर तब है बोलता है जब उनका लगता है कि वो बोलने की कीमत हमारे गुटका से ज़्यादा हो गए, वरना तो हम हूँ हाँ में जवाब दे बता। ओके ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। पप्पू राम जी तुसी गुटके की गल कर रहे थे, मैनू या किसी नू किस तरह पता लगेगा कि किसी बिहारी ने मुँह विच गुटका पाया होया है गाए, तो मुँह विच गुटका है का? अब वो बतावत है, जब कोनो बिहार का लड़का तो का बाइक चलावत दिखे ना और वो तनिक बेचैन दिखे तो का और दाएं बाएं देखत रहे दिखे तो तुरंत सावधान हो जाना। ओ का है कि वो समझ लेना कि वो इधर उधर तबीयत देखत रहे कि उनका मुंह में जो वो गुटका पड़ा है वो थूके के जगह ढूंढत रहे। ओके ओके, पर मेरे नाल एक होर सवाल जुड़ता है, तुसी ये यूपी बिहार वाले गुटके नू इन प्यार क्यों कर दियो? अरे ये तो कुछ ना ही संडी भैया, एक बार एक बिहारी की तपस्या में वो तपस्या करते रहन तो वो भगवान प्रसन्न हो गवा, भगवान प्रसन्न हो के उनको बोला भाई ये लियो अमृत और बिहारी को पीवे के खातर दे दियो, तो जो बिहारी था उन्हें पीने से इनकार कर दियो भाई। मना कर देता काहे, मतलब क्यों, वाई? ओ का बात है संडी भैया, और भगवान ने भी उसे यही पूछा, ओ क्यों भत्स, एक काहे ना ही पी रहे हो तुम अमृत? तो वो जो बिहारी बोला अब हम का बताएं तो का भगवान, हम अभी अभी गुटका खाए हैं प्रभु, इसे ना ही क्यों बता। दैट्स वाई कैरेसी प्यार कर दे गुटके ने। पप्पू राम जी जो बिहार तो आए ने, इन्होंने आप और बहुत सारे विचार साझे करेंगे। पप्पू राम जी मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि तुसी किन्ने पढ़े लिखे हो? अरे संडी भैया, हमको हम तो अनपढ़ रहे ना, पर हमार वो जो बिटवा है ना छोटा लल्लन, वो पढ़ते रहे ना स्कूल में। परसों की बात है उनका रिजल्ट आया, हमने उसे पूछा भाई तुहार रिजल्ट कैसा रहा बे, तो हमसे बोला कि गुरुजी कहते हैं कहते रहे ना कि वो थोड़ा एक साल और लगेगा, तो फिर हमने भी उसको कहा भाई कोई बात नहीं, अरे साल चाहे दो ही साल और लग जाए बस तू फेल नहीं होने का। वेरी गुड वेरी गुड, इट मीन्स तुहाड़ा बेटा स्कूल जांदा है ना पढ़दा है, वेरी गुड। अमेज़न वालों का फोन आई गवा, अरे ऑर्डर का है नहीं पहुंचा अभी तक। देखिए सर, पहले तो आप निम्रता से बात कीजिए। हाँ तो कराइए निम्रता से बात। मेरा मतलब शांति से बात कीजिए। वो तो फिर दोनों से बात करवा दीजिए, हम डरते हैं का है? है? अरे ससुरा फोन काट दिया अमेज़न वालों ने। ओके पप्पू राम जी, थोड़े व्याह कितने साल हो गए ने? 12 साल से ऊपर हुई गवाह है संडी भैया। ओके 12 साल तो ऊपर, वेरी गुड। थोड़े बच्चे कितने ने पप्पू राम जी?
अरे भगवान की कृपा से 12 बच्चे हो गए हैं। अभी तुहार भौजी प्रेग्नेंट भी है, उनको मिलाई दे तो 13 हो जाएंगे। अगर वो जुड़वा हो गए संदीप भैया तो 14 हो जाएंगे। बहुत प्यार करती है तुहार भौजी हमका। पप्पू राम जी, तुसी ए लव मैरिज करवाई सी या थोड़ी अरेंज मैरिज हुई सी? सैंडी भैया, हमार लव मैरिज हुई, और एक बार हम तुहार भौजी से पूछे, ये बात शादी से बहुत पहले की है। हम तुहार भौजी से पूछे, ए सुनीता, हम कैसे मान ले कि तुम हमका प्यार करता है? तो तुहार भौजी बोली, याद करो 2 साल पहले तुम अपनी जीजी संग हमार घर आए बे, और हमार अंगना में कोने में गुटका खाकर तुम थूकते रहे। हाँ, तो हमने कहा तो फिर क्या? तो उसने कहा, भाई तो तुहार भौजी बोली, हम आज तक ऊ जगह गोबर का लिपाई नहीं किया। हाँ, लिपाई इसलिए नहीं किया ताकि तुहार प्यार का निशानी कहीं वो मिट ना जाए। बहुत ही प्यार करती है भौजी तुहार। ओके ठीक है, थोड़ी स्मेल जी आने लगी मैंने गुटका गुटका सुन के। भाजी प्लीज एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दियो। छानू असी थोड़ी जी वेंटिलेशन थोड़ी जी बढ़ाते हैं रूम की। पप्पू राम जी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन हैगा थोड़े नाल, ये है कि तुसी जोड़ा अद्धा जोड़ा बिहार पंजाब दे विच एंटर हो चुकिया है, मतलब बिहार तो ते बिहारी बुहारी सारे इकट्ठे हो गए, साढ़े पंजाब विच आ चुके, तो साडा जोड़ा लुधियाना वह तो पूरे का पूरा बिहारी बन गया है। मेरा सवाल यह है सर कि तुसी पंजाब च अंबले ना दियो? संजय भैया, गुस्सा ना मत करना आप हमारी बात का। आप सभी लोगों ने जो पंजाबी है ये कनेडा में वहाँ टोरंटो और वैनकूवर आपने पूरा पंजाब बना रखा है, तो आप सब वहाँ पे इकट्ठा होकर टिंडे लेने जावत है वहाँ? चलो छोड़ो, मन लगता तुसी गुस्सा कर गए हो पप्पू राम जी। चलो तुसी मैनू मैनू ये दसो, एक होर सवाल मैं याद आया, तुसी एक बार जेड प्लस सिक्योरिटी दी डिमांड की थी पुलिस तो, है ना? मेरा सवाल है तुसी क्यों की थी सर? वो का बात है सैंडी भैया, एक बार हम इलेक्शन में खड़े हुए और हमारा का टोटल 3 वोटें मिली, तो हम पुलिस के पास चले गए जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग करने। तो पुलिस ने भी हमें यही पूछा कि तुम्हें ये जेड प्लस सिक्योरिटी काहे चाहिए, और हमने पुलिस से कहा, संडी भैया, कि जिस शहर में मेरे खिलाफ इतने लोग हों वहाँ मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए कि ना ही चाहिए, अब तुम्हें बताओ। बिल्कुल, वैसे तुसी ये सही गल कही हैगी है। पप्पू राम जी, बिहार के बीच मैं सुने थोड़े भोजपुरी गाने बहुत सुनते हो, तुसी बहुत लाइक करते हो, उत्तर स्टेजिज़ के उपर शेरो शायरी भी बहुत चलती मैं सुनी हैगी है, तो प्लीज़ साढ़े दर्शकों ने तुसी कोई भोजपुरी शेरो शायरी प्लीज़ सुना दियो। अरे हाँ हाँ, अरे काहे ना ही सुनावत, अब वो सुनावत है। अर्ज किया है, ताजमहल कौनो चीज बा, ताजमहल कौनो चीज बा, हम इकरों से बड़ा इमारत बना देव, ताजमहल कौनो चीज बा, हम इकरों से बड़ा इमारत बना देव, मुमताज तो मर के दफन भैले रहे, और तोका ससरी हम जिंदा ही दफना दे बने। वेरी गुड, प्लीज थाड़िया मारो, किन समस्या सुनाया। वाह 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 वाह, पप्पू राम जी तुसी मजा आ गया, वाह कमाल थोड़ी शायरी। पप्पू राम जी, कोई गाना जेड़ा तुसी सुनना पसंद करोगे या तुसी सुनाना पसंद करोगे भोजपुरी सारे दर्शकों? अरे संडी भैया, हमको वो दिलीप कुमार जी है ना फिल्म स्टार, उनका गाना हमको बहुत बढ़िया लगे हैं। हम 4 लाइनें आपको सुनावत है अभी, सुनिए। नैन लड़ जाइबे तो मनवा माँ कटक होई वे गई, नैन लड़ जाइबे तो मनवा माँ कटक होई वे गई, प्रेम का छूटे पटाका तो धमक हुई बे गई, नैन लड़ जाइबे तो मनवा माँ कटक हुई बे गई। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत मजा आया।
तो इस अंसर स्टूडियो दे विच बिहार दे मजदूर पप्पू राम जी। पप्पू राम जी ने अपने कल्चर ते गाने नाल सानू बहुत एंटरटेन किया, थैंक यू वेरी मच। सो साडे जान दा हुण टाइम हो चुका है, सो दिओ इजाजत अपने सैंडी सिंह नूं, दोबारा थोड़ी मुलाकात असीं करावांगे अगली बार एक होर वधिया परसनैलिटी दे नाल। ते तद तक लई सानू ते पप्पू राम जी नूं दिओ इजाजत। जी जी जी, राम राम, राम राम भाई लोगन, राम राम।